दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल तुदुंग एंड ब्लॉग्स। आज कुछ काम काज का वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं मस्कट में रहता हूँ करीब 27 साल से। इस वजह से मुझे बहुत लोगों से जान पहचान हुआ, तो आज कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जो आप लोगों को काम का होगा। मेरे चैनल में बहुत लोग काम काज के बारे में बहुत पूछताछ करता है, जैसा कि जॉब चाहिए, जैसा कि जॉब का इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसा कि कौन सा जॉब अच्छा है, क्या करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में मुझे बहुत वीडियो आ रहा था। तो मैंने सोचा अभी कुछ ऐसा काम काज का वीडियो बनाओ ताकि लोगों को थोड़ा फायदा मिले। इस वजह से मैंने कुछ एजेंसी से बात की जो मैन पावर एजेंसी होता है, जो कामकाज देता है लोगों को। क्योंकि देखिए, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कामकाज करता ही है इधर आके, तो इधर कोई ना कोई किसी को लेके भी आता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ जाता है, किसी ने किसी को लेके आता है। हमको भी किसी ने लेके आया था, तो हमारा भी फर्ज होता है हम भी किसी को ले आए। कभी कभी ऐसा होता है इस चक्कर में कुछ नाम होता है, कुछ बदनाम होता है, कोई किसी किसी को मिस्टेक हो जाता है, किसी किसी को ठीक से काम दे नहीं पाता, इस वजह से कोई कोई मायूस होता है, किसी किसी को काम हो जाता है। दूसरी बात, इसमें थोड़ा बहुत हर आदमी अपना फायदा देखता है। जैसे कोई एजेंसी आपको ले आएगा, वो थोड़ा बहुत फायदा अपना देखेगा, जो भी खर्चा होगा उसमें से थोड़ा ज्यादा फायदा देखेगा। तो ये सब इधर होता है। फ्री में यहाँ जॉब मिलना नामुमकिन है, कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ही। आपको जॉब के लिए वीजा चाहिए, टिकट चाहिए, आपको कुछ शॉपिंग भी करके रखना ले आना चाहिए। इधर आके थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है पहले पहले जब आता है, ये सब तो ध्यान रखना चाहिए। इस वजह से खर्चा होता है। जो लोग लेके आएंगे आपको, जो लोग वीजा के लिए आपको हेल्प करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ फायदा के लिए करता है। क्योंकि यहाँ हर लोग काम कुछ ना कुछ पैसा इनकम के लिए आता है ना, कोई फ्री में कुछ करने के लिए आता नहीं, अब फ्री में इधर आता भी नहीं। इस वजह से वो भी सोचेगा थोड़ा दो चार पैसा हमको फायदा हो जाए, ये अच्छी बात है। इस वजह से मैंने भी कुछ एजेंसी से बात किया ताकि कुछ लोगों को भला हो जाए, मुझे भी हो सकता है कुछ ना कुछ भला हो जाए, कोई एजेंसी से कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाए। सीधा मत बात कर रहा हूँ ताकि आपको कोई ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, ऐसे ही आपको फायदा दिखा रहा हूँ। हम भले ही जो लोग आएगा उनसे ना ले लेंगे, कास्ट्रो एजेंसी से तो कुछ ना कुछ कमीशन हमको मिल ही जाएंगे। तो इसलिए इसी वजह से मैं कुछ जॉब के बारे में आपको इधर सजेशन देना आया हूं। अभी रिसेंटली एक 6 महीने के लिए कुछ जॉब बंद हो गया इधर मस्कट में, जैसा इलेक्ट्रिशियन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, जैसा टेलर का, टेलर लेडीज टेलर, जेंट्स टेलर, बार्बर शॉप का, या कि जो क्लीनर है बिल्डिंग में जो क्लीन करता है, इनका जो जॉब है, तो ये सब अभी 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर किया सारे देश के लिए। इसके अलावा इधर पाकिस्तानी बांग्लादेशी का वीजा बंद है, चालू है ओनली इंडियन लोगों का, क्योंकि इंडिया का इधर बहुत बिजनेस है, इंडिया का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर वीजा वगैरह बंद हो जाएगा तो यहाँ ठप हो जाएगा कामकाज, बंद हो जाएगा। इस वजह से इधर वीजा चालू है, लेकिन कुछ कैटेगरी का, 13 कैटेगरी का रिसेंट वीजा बंद हो गया। मेरा अगला वीडियो देखिए, उसमें मैं पूरा डिटेल्स बताया कि वीजा बैंड बोल के एक चैनल में, मेरे चैनल में ऐसा वीडियो बनाया तो वीजा बैंड है। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कुछ एजेंसी मुझे बोला, कुछ क्लीनर का वीजा चाहिए, क्लीनर का आदमी चाहिए जो बिल्डिंग ऑफिस में बिल्डिंग में क्लीन करने वाला। तो मैं उन लोगों को पूछा था कि अभी तो वीजा बंद होने वाला है सितंबर से 6 महीने तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, अभी तक ये मैंने सुना, इसके बाद फिर चालू हो सकता है ना भी हो सकता है, तो तुम लोग कैसे वीजा दोगे? बोलते हम लोग ये जो डिक्लेयर हुआ था इससे पहले हम लोग क्लियरेंस गवर्नमेंट से निकाल के रखा था, तो ये क्लियरेंस की वजह से, जिसके बाद जितना क्लियरेंस है
उतना वो आदमी ले आ सकता है, लेकिन इंडियन लोग ले आ सकता है, बाकी दूसरा कंट्री का नहीं, क्योंकि उससे पहले इंडिया का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का बंद हो गया था तो इंडिया का चालू था। तो जो लोग मुझे बोला वो लोगों को इंडियन लोग चाहिए। आपको अगर ध्यान में कोई हो जिसको जरूरत पड़े, जिसको बाहर आना चाहते हो, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हो। जो सीरियस पर्सन है, कुछ भी नॉलेज हो मैं उसको बताऊंगा। इसके अलावा मैं और भी कुछ एजेंसी से बात करके रखा ताकि लोगों को कुछ अच्छा फायदा हो। जो लोग यूरोप कंट्री जाना चाहता है, जो लोगों के पास अपना काम करने का स्केल है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप कंट्री के अंदर इटली है, उसके बाद और भी बहुत कंट्री है जैसा लुथानिया, इसके अलावा और भी जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो कंट्री है, इन कंट्री में आप लोग जा सकता है। मेनली इटली में बहुत मेरे पास चांस है। मैं जो एजेंसी से टाई अप किया, वो लोग मुझे कुछ कमीशन देगा अगर मैं उसको प्रॉपर आदमी दे सका। ऐसा नहीं कोई भी आदमी दू, ऐसा नहीं है। जो पार्टिकुलर जाना चाहता है, खर्चा होगा, यूरोप कंट्री के लिए बहुत खर्चा होता है, लेकिन जो भी खर्चा होता है आपका 3 महीने से 4 महीने के अंदर वो पैसा उठ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, 4 लाख 5 लाख खर्चा हुआ तो सैलरी भी वैसे ही होता है, 1.5 लाख तक सैलरी होता है, किसी किसी को 2 लाख भी होता है, तो आपका पैसा उठ जाता है। अगर आप मानो 4 लाख हुआ या 5 लाख हुआ, अगर 1.5 लाख सैलरी आता है, कितने महीने में उठ जाएगा? 4 महीने में उठ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान के रख के आपको माठे आना चाहिए, आपको अच्छी तरह सब छानबून कर लेना चाहिए। मेरे पास कुछ एजेंसी है। उमर में क्या है ना, लोग सोचता है कोई अगर पैसा चीट हो जाए, कुछ हो जाए, देखिए उमर में जो भी एजेंसी बनता है उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस में आप कुछ भी बिजनेस नहीं कर सकते ओमान में। आपको वो लाइसेंस हर साल में रिन्यू करना पड़ता है। तो आपने गलत तरीके से कुछ भी करोगे, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। इसके अलावा इस बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, कुछ 1000 रियल, शायद 10,000 समथिंग डिपॉजिट भी करना पड़ता है। तो आप अगर गड़बड़ करोगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट सील कर देगा। ये यहाँ का सिस्टम है, रूल्स है। तो आप लोगों में से कोई भी अगर जरूरत है, सीरियस है, तो आप लोग, कुछ कैटेगरी है मेरे पास, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कैटेगरी का काम काज का जरूरत पड़ता है। मेनली जो यूरोपियन कंट्री है, जो उसका आसपास का भी देश है, तो उनको भी जरूरत पड़ता है। जैसे मेरे पास एक कंट्री है लाओस, ये वियतनाम और थाईलैंड का बीच में, यहाँ का भी बहुत इमरजेंसी लोगों का जरूरत है जो इस काम में माहिर है, जैसा कॉल सेंटर, जैसा अकाउंटेंट, जैसे कैशियर का काम, फ्रंट डेस्क का काम किया हुआ, तो जरूरत है। खर्चा होता है। देखिए मैं हर खर्चा एक एक टाइप का होता है, एक एक देश में एक एक टाइप का होता है, एक एक काम के एक एक टाइप का होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। ये जो बिजनेस, ये लाइन है, एजेंसी जो होता है, अपना मर्जी में पैसा मांगता है, ठीक है। जो भी खर्चा होता है उसे थोड़ा ज्यादा करके पैसा मांगता है। ये मत सोचो कि ये हर देश में फिक्स्ड है, जो जैसा चाहे ले सकता है। तो जिधर काम होगा उधर ही आपको जाना चाहिए, जिधर आपको भरोसा होगा उधर आना चाहिए। आपको जांच करना चाहिए कैसे करूं। अपना देश में भी बहुत एजेंसी है, लेकिन बहुत एजेंसी चीटिंग करता है, इस वजह से लोग भरोसा नहीं करते, चीटिंग करके निकल जाता है, अच्छा तरह 20-25-50 लाख का उठा लिया, भाग जाता है। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता, इधर का कानून आपको मालूम है बहुत सख्त है। इधर क्राइम रेट एकदम मतलब 0-1% के जैसा है। तो इस वजह से हमें भरोसा है कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता। कोई कोई लोग बहुत कुछ देखता है नेट पे, देख के बोलता है इधर ये प्रॉब्लम, उधर क्राइम हुआ। मैं मानता हूँ हर जगह में क्राइम होता है, प्रॉब्लम होता है, शायद 1% 2% होता है। अभी अगर वो सब देश में इंडियन लोग 100 गया
तो शायद एक दो का मुश्किल हो सकता है। इससे मतलब पूरा 100 गलती नहीं है, सारे एजेंट गलती नहीं है, कुछ कुछ एजेंट गलत काम करता है मैं मानता हूँ, लेकिन सारे नहीं है। सारे आगा होता था कोई प्रदेश में नहीं जाता, ये सोचना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अगर किसी को कोई काम काज का जरूरत है, जिस भी केस से आया, आपका कोई डिग्री है, आपका काम का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सही सलाह दूंगा। आपका अगर पासपोर्ट है तो आपको अच्छा है, आपका गल्फ एक्सपीरियंस है और भी आपके लिए अच्छा है, आपको चांस पहले होता है। कोई भी काम का एक्सपीरियंस, गल्फ एंट्री एक्सपीरियंस है या मुल्क में कोई काम काज किया उसका भी एक्सपीरियंस है, तो आपको चांस पहले होता है। जैसे मेरे पास अभी चांस है क्लीनर का है इस देश में, ड्राइवर का है, ड्राइवर के लिए लोग लाइसेंस मांगता है, यहाँ का लाइसेंस चाहिए। अब यहाँ का लाइसेंस आपको नया आदमी को कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देने के बाद आपको फिर लाइसेंस मिलेगा, फिर आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको पहले कोई छोटा मोटा काम का जॉब पे आना पड़ेगा, फिर वही जॉब भी करो, लाइसेंस भी निकालो। लाइसेंस निकालने के लिए आपको खर्चा होता है, 50,000 से 1,00,000 तक खर्चा चला जाता है लाइसेंस निकालने के लिए। किसी किसी को नसीब अच्छा है, जो मुल्क में ड्राइविंग वाला सीख के आया, उनको एक दो टेस्ट में पास हो जाता है। जितना टेस्ट कम पास हो जाएंगे उतना आपको कम खर्चा होगा। तो दोस्तों, अगर ये ड्राइविंग का हो गया, इसके अलावा हाउस बॉय का काम भी है, घर का काम, घर का भिसा सारे ओपन है। जैसे घर में हाउस बॉय का काम कर सकते हो, जैसा घर के अंदर ड्राइविंग कर सकते हो, तो इन घर का इस सब भिसा सारे ओपन है। कुक का काम है, ओमन में बहुत कुक का डिमांड है, घर में अच्छा कुक है बहुत डिमांड है। इसके अलावा इधर जो होटल है, होटल में इंडियन कुक का बहुत डिमांड है, क्योंकि इंडियन कुक अच्छा खाना बना सकता है, अच्छा उसका ये होता है, मतलब उनका झगड़ा बड़ा करने का, गलत काम में जाने का दिलचस्पी नहीं होगा इंडियन लोगों का मोस्टली। तो इसलिए यहाँ का लोग गल्फ रीजन में सारे इंडियन लोगों को बहुत पसंद करता है। इसके अलावा यूरोप कंट्री में भी इंडियन लोग बहुत पसंद करता है, इंडियन लोग थोड़ा सा ठंडा होता है। दोस्तों, वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता आपको, मैं ये बताया। इसके अलावा यूरोप कंट्री में जो वैकेंसी है, जैसा कुक है, सेफ है, होटल के अंदर जो फ्रंट डेस्क होता है, इसके अलावा जो सुपरवाइजर होता है होटल को देखभाल करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी बोलता है, उसका डिमांड है। इसके अलावा जो कंपनी है उसका स्टोर में डिलीवरी बॉय का चाहिए, क्लीनर चाहिए, ये सब काम करते। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दे दूंगा। अगर आप किसी को जरूरत है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीरियस पर्सन, ऐसे ही बकबक करके टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। कुछ आप पासपोर्ट है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खर्चा होगा, क्या होगा नहीं होगा मैं आपको बोल दूंगा। इसके बाद आप चाहे तो आप अप्लाई कर सकता है, चाहे तो नहीं अप्लाई कर सकता, आपका मर्जी। तो वीडियो मैं रखता हूँ, ऐसा ही टॉपिक में वीडियो बनाते रहूंगा। आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको देखने पाए। रोजी रोजगार से गल्फ कंट्री में, ओमान में, यूरोप कंट्री में जो रोजी रोजगार का जान काम काज का जॉब का कोई भी चांस है तो आपको मैं बताता रहूंगा, आप सुनते रहिए। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। लास्ट में मैं बोलूँ, जय हिंद।